ये भी भैया हाफ टी स्पून ही डाल रहे हैं, जितना सफ़ेद नमक था उतना ही काला नमक है। लीजिए भैया फाइनल आइटम हमारा रेडी हो चुका है, तो ऐसे आप घर पे चाप बनाओ, हर चीज़ हम आपको बता चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया आपका बटर। बटर ठीक है, ये अपने हिसाब से आप डालिए, ज़्यादा कम जैसा आपको सही लगे। तो ये हमारा फाइनल आइटम अफगानी मलाई चाप, आपने इसकी रेसिपी सीखी, थैंक्स फॉर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वाइनम फूडी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अफगानी मलाई चाप। कहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने है वोक एंड कुक, यहाँ पे इनका ये आउटलेट है। और ये जो रोड है ये है नजफगढ़ वाली, ये दीनपुर रोड इसे कहते हैं नजफगढ़ की, यहीं पे इनका एक छोटा सा आउटलेट है। ये हमें सिखाने वाले हैं अफगानी मलाई चाप कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और बिना किसी देरी के चलते हैं किचन में, बट वीडियो को स्किप मत करना, फिर आप कमेंट बहुत करते हो यार ये क्या डालता वो क्या डालता, हम हर चीज़ बताते हैं डिटेल में। तो चलते सीधे किचन में और सीखते आइए। और मैं आपको बता दूं, ये तंदूर के लिए तो यहाँ पे फेमस है ही नजफगढ़ में, बट चाइनीज़ भी इनका काफ़ी चलता है और ये बहुत फेमस है नजफगढ़ में। तो अब चलते हैं बिना किसी देर के किचन के अंदर और सीखते हैं भैया से कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ पे बनना शुरू हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हैंकड़ कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे भैया हैंकड़ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है। तो ये दही हो गई है, और ये कितने अमाउंट के लिए बन रहा है, जैसे आपका चाप हो गया 3 पीस आता है वो एक ही स्टिक में, तो उसके आप 12 पीस या 8 पीस जितना पीस आपको करना है, तो वो 3 जो चाप के पीस होते हैं उसके हिसाब से बन रहा है, जो पूरी स्टिक के साथ आता है लगा हुआ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भैया ने दही डाली है। कम से कम ये होगी 50 से 100 ग्राम के बीच, ज़्यादा दही नहीं है। अब इसको हम बांधेंगे अच्छे से और टांग देंगे, आधे घंटे के लिए इसका सारा पानी निकल जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो भैया ने इसमें डाला है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और मैं आपको बता दूँ, जो पनीर की शॉप में चाप मिलती है ना, एक चाप एक स्टिक में लगी होती है पूरी, आपने देखी भी होगी कई जगह, वैसी 3 स्टिक की ये बन रही है, यानी कि 3 पीस के हिसाब से बन रही है। अब उसको कट करके उसके 12 पीस करो 16 पीस करो वो आप पे डिपेंड है, 3 स्टिक के हिसाब से बन रही है जो पनीर की शॉप में आपको मिल जाता है। अब आगे देखते हैं क्या इसमें डालने वाले हैं। तो यहाँ पे भैया ने लिया है काजू का पेस्ट, 15 से 20 काजू थे, उसको हल्के से पानी में इन्होंने पेस्ट बनाया, बट लेकिन उससे पहले इन्होंने इस काजू को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगा के रखे हुए थे। तो इसका ऐसा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पानी मत डालना नहीं तो ये बहुत ही पतला बन जाएगा। तो अब आगे देखते हैं भैया अब क्या डाल रहे हैं इसमें, ये क्या है, ये सेपरेट चीज़ जाएगी इसमें, एक भी इसके साथ ग्राइंड करना है। ओके, इसके साथ इसको ग्राइंड करना है, ये सेपरेट चीज़ है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये बता दूँ, ये दोनों ग्राइंड करने के बाद, तो ये भैया मिक्सी में पीस के ले आए हैं। और भैया इसको सारा डालना है जितना था, सारा तो जितना था आपको सारा डालना है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, काजू को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगाना है, उसके बाद उसको थोड़े से पानी में पीसना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, और जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरीके का आपको इससे पीसना है, और फिर सेपरेट चीज़ डालनी है उसके साथ पीस के इसमें डालना है। तो ये हो गया है डन। अब इसके बाद भैया मसाले डालेंगे। हाँ, इसके बाद मसाले। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है मसाला। और यार देखो, ऐसी रेसिपी लाना बहुत मुश्किल होता है, रेस्टोरेंट में जाना, उनसे बात करना, हमें रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ यार लाइक करा करो और कमेंट भी करा करो अच्छे अच्छे, ताकि हम आपके लिए और रेसिपी लाएं। और अगली कमेंट भी करो कि हमें नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए, तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए भैया क्या डाल रहे हैं। 1 स्पून व्हाइट पेपर है, ये है व्हाइट पेपर, ठीक है भैया। ये आधा चम्मच है गरम मसाला। तो इसमें नमक डाल रहा है, नमक तो आप यार स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, बट फिर भैया ने थोड़ा सा डाला है इसमें, 1/2 टीस्पून अराउंड। अब नेक्स्ट है इसमें भैया काला नमक, अब डलेगा इसमें काला नमक, वो देखते हैं कितना डलेगा, ये भी स्वाद के हिसाब से। ये भी भैया 1/2 टीस्पून ही डाल रहे हैं, जितना सफ़ेद नमक था उतना ही काला नमक है। अब नेक्स्ट क्या डलेगा भैया, क्रीम, नेक्स्ट इसमें क्रीम डलेगा। अब आपकी डलेगी इसमें फ्रेश क्रीम, वो भी इसके मतलब हिसाब से डलेगी, ठीक है, 2 से 3 चम्मच। ये भैया मैं ना 3 पीस के हिसाब से बना रहा हूँ, जो 3 स्टिक आती है ना, तो उसके हिसाब से। तो ये कितना आपने डाला होगा, अराउंड 2 से 3 चम्मच, 2 से 3 बड़े चम्मच। तो ये आपकी मलाई होगी है रेडी, और ये सारा अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और कुछ डलेगा भैया? हाँ, इसमें हल्का सा ना रिफाइंड ऑयल पड़ेगा। अच्छा ठीक, इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल पड़ेगा, स्पून के हिसाब से डाल सकते हो आप। ठीक है, स्पून के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कितना पड़ेगा भैया? 2 से 3 2 से 3। तो 2 से 3 चम्मच इसमें डाला था रिफाइंड ऑयल, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा भैया, ऐसा होता है कि जैसे मैं इसको मिक्सी में पीस दूं तो वो भी चलता है? इसके पीसने के बाद ये पानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा नॉलेज मिल गया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दी के चक्कर में मिक्सी में पीस देते हैं, तो ये पानी छोड़ देगा, मतलब मिक्सी में पीसोगे तो ये आपका बिल्कुल पानी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिक्सी में नहीं पीसना, हाथ से करना है। तो यहाँ पे भैया आपको दिखा रहे, देखिए इस तरीके का आपको रखना है इसे। तो यहाँ पे स्टिक आ चुकी है हमारी, जो 3 स्टिक के हैं उसके हिसाब से यहाँ पे 9 पीस करे हुए हैं, तो अब इसमें मिक्स करेंगे।
तो इस तरीके से आपने इसे मिक्स करना है, और ये तो कोई बताने वाली बात होती नहीं है कि यार आपको पता ही है, अच्छे से मिक्स करना है इसको और 15 मिनट के लिए छोड़ देना। तो ये हो गया है डन, 15-20 मिनट इसे हो चुके हैं। यहाँ पे वेजेस भी कट चुके हैं, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कैसी भी रख सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही रखना है। तो अब यहाँ पे तो रेस्टोरेंट में सरिया होता है, आपके पास बारबेक्यू होगा, सिगड़ी होगा, तो उस हिसाब से आप रख लेना। बट लेकिन आप जब चाप इसमें लगाएंगे, मेक श्योर कि वो बिल्कुल बीच में लगे, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे तो वो जब पकेगा तो काटने के ऊपर, हाँ, जैसे काटने ना भैया, जब अगर टेढ़ा था वो लगाओ, अगर ये गोलाई में काटोगे आप, जैसे इसको गोलाई में काटते हो तो ये देखो आप, ऐसे देखा आपने गोलाई में, इसी साइड से, एक साइड से पकड़ो, ऐसे साइड से पकड़ो, ये साइड से लगाओ, बिल्कुल बीच में डालना, हाँ बिल्कुल बीच में, दोनों किनारे, इस साइड से भी, इस साइड से भी, बिल्कुल बीच में होगा, ताकि ये गिरे ना, क्योंकि जब ये पकेगा ना तो ये अंदर ही गिर जाएगा। हाँ, तो पकने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता तो गिरने की डर होती है। तो उसके बाद आप इसको ना ऐसे पकड़ा, इसको किनारे पे एक साइड से दूसरे साइड पे ऐसे सीधे करके लगाना। तो ये लग रहा है, इसे होने देते हैं, फिर तंदूर की तरफ चलेंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल में नए हैं, क्योंकि हम जो रेसिपी लाते हैं ना वो डायरेक्ट हम जो बनाते हैं उन्हीं से लाते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग आपको क्या सिखाते हैं, इस स्टाइल का आप सीखिए घर पे, आप कैसे बनाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल आप सीखिए, हम सीधे रेस्टोरेंट पे ही पहुंच जाते हैं आपके लिए रेसिपी लेने, और हलवाइयों के पास भी पहुंच जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और अब चलते सीधा तंदूर की तरफ और देखते हैं कैसे इसको आगे बनाना है। तो इस तरीके से आपने लगाना, देखा बिल्कुल परफेक्ट लगा है, एक भी पीस इधर उधर नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, बट ये हो जाएगा। तो अब चलें सीधा भैया तंदूर की तरफ, चलिए। तो ये है गैस वाला तंदूर, कोयला दिल्ली में अलाउड नहीं है। तो इसका जो टेम्परेचर है आपको मीडियम रखना है शुरू में 10 मिनट, अगर आप बारबेक्यू या सिगड़ी जलाते हो 10 मिनट इसे गर्म करना, और फिर जब थोड़ा सा हल्का सा मीडियम में हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब इसे डालना है, ठीक है। और भैया कितनी देर में पक जाएगा ये? 10 से 12 मिनट में ये पक जाएगा, चेक करना है 10 से 12 मिनट, और बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है। और बीच में भी इसमें बटर भी लगाएंगे, हाँ बिल्कुल बटर लगाएंगे, तो इसके बीच में हम इसमें बटर भी लगाएंगे ताकि जले ना। जो अभी कभी कभार आपने देखा होगा चाप या पनीर हम घर पर बनाते तो काला काला सा हो जाता है, तो उसके लिए भी ये सही रहता है, बटर बीच बीच में लगाओ। और भैया थोड़ा हार्ड भी तो हो जाता है, जूसी बन के लिए भी तो बटर सही रहता है, तो वो दोनों के लिए काम आता है। तो अब इसको ढकेंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे और बटर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भैया बीच बीच में चेक करें, और अभी भैया ने बटर नहीं डाला, भैया बटर कब पता चलेगा कि कब डालना है? थोड़ा सा बटर लगाएंगे इसमें ताकि इसके जो मसाला होता है ना थोड़ा सा सूख जाए। तो मतलब हमें कब पता चलेगा कि इसका मसाला, मतलब बटर कब लगाना है? हल्का हल्का साइडों में जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, हाँ ठीक है, ये हल्का सा इसका जो मसाला है इसमें मतलब लग चुका, मतलब पक चुका है। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा ये। ओके ठीक है ठीक है। तो जो आप ये देख रहे हैं ना बीच बीच में हल्की सा क्रीम सा लग रहा होगा और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पका होगा, तो जब ये पूरा पक जाएगा तब इसमें थोड़ा सा बटर लगाना है आपको। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट हर जगह से पक चुका है, अब इसमें भैया बटर लगा रहे हैं। तो अब ये कितनी और देर सीखेगा भैया? बस 5-6 मिनट तो हो गए, 5-7 मिनट ये और रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा कब आपको पता चलेगा कि ये डन हो चुका है। लीजिए भैया फाइनल आइटम हमारा रेडी हो चुका है। तो ऐसे आप घर पे चाप बनाओ, हर चीज़ हम आपको बता चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से सर्व करते हैं, आइए। तो यहाँ पे हर चीज़ के कट हो चुके हैं, पीसेस हो चुके हैं, आप देखते हैं इसमें भैया क्या क्या मिला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या जाएगा भैया इसमें? सबसे पहले इसमें आपका नींबू, तो आप इसमें नींबू डालिएगा अपने हिसाब से, जितना स्वाद के, हाँ अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा नींबू अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डालिएगा नींबू डालना। और ये हमने, ये इनकी एक स्पेशल स्पेशल हमने इसकी सॉस बनाई हुई है। क्या चीज़ है भैया ये? अपने स्पेशल क्रीम बनाई हुई है। अच्छा क्रीम है इनकी स्पेशल। देखिए जो रेसिपी आपको बताई है वो चाप की उन्होंने बताई है, उसके बाद जो सीक्रेट चीज़ होती है ना वो आपको कोई नहीं बताएगा, जिसके लिए यहाँ पे ये मशहूर है, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है थोड़ा, बट जो रेसिपी बताई है वो नॉर्मल है, हर जगह ऐसे ही बनता है। और नेक्स्ट कौन सा? बस यही डलेगा भैया? और वो रेड वाली? रेड नहीं डलेगी ठीक है। अच्छा जो इनकी ये दो है ना, ये इनकी सीक्रेट रेसिपी है, ये नहीं बता सकते, कहीं आप कमेंट करके हमें बोलो कि इसकी रेसिपी बताओ, ये नहीं बता सकते। बस इसी दो को डाल के ये पूरा चेंज हो जाता है इसका फ्लेवर, और वैसे नॉर्मल ये ऐसे ही बनता है। चाट मसाला डलेगा इसके, और ये बन गया इनका, मतलब ये डल गया इनका चाट मसाला। ये हो गया आपका बटर ठीक है, ये अपने हिसाब से आप डालिए, ज़्यादा कम जैसा आपको सही लगे। ये बटर डालना है, और ये अब डालेगी इसमें क्रीम, उसके बाद ये क्रीम डाल सकते हो आप। ये हो गई क्रीम, क्रीम कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये अपने हिसाब से ये क्रीम जितना डालना क्रीम। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में ये देते हैं। तो अब उसके बाद ना इसको आप मिक्स करना है, अब इसे ढंग से मिक्स करेंगे अच्छे से, और ये बस रेडी है। फिर अब इसके बाद अब इसे प्लेट में आपने, हाँ जी बिल्कुल, ये अब रेडी हो चुका है, आप इसको ना सीधे प्लेट में डालना, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आइटम अफगानी मलाई चाप, आपने इसकी रेसिपी सीखी, थैंक्स फॉर
वो कैन कुक। तो नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए यहाँ से कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।